2012 में आर्मी ज्वाइन करने के बाद गांव में इतना पानी नहीं देखा था मैंने, स्विमिंग नहीं आती थी इसलिए काफी डर लगता था। रोइंग स्टार्ट की, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हार्ड मानने वाला, इतना टफ यानी कि बॉडी काफ़ी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं और मेंटली पावर ज़्यादा लगती है इसमें। फॉर समवन हूज ओनली बीन इन रोइंग इन सिंगल टू टाइम्स टू कॉम्पिटिशंस दैट ही इज एबल टू गो ऑल द वे टू द ओलंपिक्स ऑलरेडी, आई थिंक ही हैज़ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन एन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। The Indian Army is one of the few organizations where rowing is officially practiced, and most of the rowers in India who actually go abroad or participate in races, they come from the army. Actually, वो घर का सबसे बड़ा बेटा है और उसके फादर भी नहीं है, जैसे फादर उसके एक्सपायर कर चुके हैं तो उसके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फिर उधर उसके साथ अगर मतलब उसकी इलनेस के ऊपर काफ़ी उसको घर के बारे में ध्यान देना पड़ता है तो इससे उसका जो कंसंट्रेशन है वो डाइवर्ट हो जाता है। छोटा भाई बाइक पे लेके जा रहा था गांव में तो जाते जाते गाड़ी फिसल गई बीच में, एक पत्थर पे चली गई गाड़ी, एक्सीडेंट हो गया और मम्मू पत्थर पे गिरने के बाद ब्रेन में ब्लड की गांठे तैयार हो गई तो इस वजह से हम कोमा में चले गए थे। Dattu's competing in the men's single skull at the Olympics. When you're with a team, you can feed off your teammates. When you're a single sculler, you're on your own. And so even some of the best rowers in the world are not good in single. मेरे पीछे वाली बैकग्राउंड देखा तो नहीं लगता था मैं कभी ओलंपिक तक पहुंच पाऊंगा, लेकिन मैंने मेरा एक ही टारगेट था कि जो भी काम करना है दिल लगा के और अच्छे लगन से करना। My philosophy is that winning is an attitude. So if you have the attitude of a winner, you're going to think like a winner, you're going to practice like one, you'll eat like one, you'll rest like a winner, and so therefore when competition comes, you have the confidence to go out and definitely perform at your best. And when you're doing that, then usually success comes. स्पोर्ट्स लाइफ कुछ दिनों की होती है इसलिए स्पोर्ट्स लाइफ 10 साल ज़्यादा विलेज लाइफ कंटिन्यू रहती है। जैसे पैदा हुए उधर से यानी कि स्टार्ट हुआ, जैसे हमारा नॉर्मल इंडोरेंस तो विलेज लाइफ से स्टार्ट होता है, यानी कि विलेज के लिए कुछ करने की ख्वाहिश है। जैसे कि देश के लिए अभी हम मेडल ला रहे तो विलेज के लिए पानी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं।